Hello students, we are going to start third lectures of Maths Part 1 lesson Linear Equation in Two Variable, that same lesson. Practice set 1.3. Question number 1, find the value of following determinants. Means अभी यहाँ पे हमें डिटर्मिनेंट्स फाइंड आउट करना है. डिटर्मिनेंट्स कैसे करेंगे? फॉर एग्जाम्पल फोर नंबर्स दिया है, ये अपने को यहाँ पे डिटर्मिनेंट साइन में फोर नंबर्स दिए, ये फोर नंबर्स को हमें क्रॉस मल्टीप्लाई करना है. एरो शो किया है, देखो स्टूडेंट्स, क्रॉस मल्टीप्लाई करके उनको माइनस करना है. तो फर्स्ट वन क्या है, माइनस वन को हम फोर से मल्टीप्लाई करेंगे. तो माइनस वन को फोर से मल्टीप्लाई करेंगे और सेवन को टू से मल्टीप्लाई करेंगे. बीच में साइन क्या रखना है स्टूडेंट हमें, माइनस. नाउ माइनस वन इंटू फोर माइनस फोर, और नाउ हियर माइनस सेवन इंटू टू माइनस फोर्टीन. दोनों माइनस माइनस में है, माइनस माइनस प्लस, तो फोर्टीन प्लस फोर एटीन साइन माइनस. ओके स्टूडेंट्स, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है और बीच में साइन हमें माइनस डालना है. तो साइन अच्छे से ध्यान में रख के करेंगे तो सम राइट आएगा. इजी सम है स्टूडेंट्स डिटरमिनेंट्स करने का, और ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है बोर्ड एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू. वन मार्क्स का क्वेश्चन मोस्ट ऑफ द ज्यादा टाइम करके ये आता ही है, ऐसे टाइप के क्वेश्चन डिटरमिनेंट्स का वन मार्क्स के लिए. ओके स्टूडेंट्स, जस्ट मल्टीप्लाई और सबट्रैक्ट करना है, इतना ही है. नाउ नेक्स्ट, अगेन फाइंड द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट्स, बट यहाँ पे डिटर्मिनेंट्स फाइंड आउट करते समय हमें फ्रैक्शंस के वैल्यू दिए हैं. तो फ्रैक्शंस के भी वैल्यू दिए हैं, तो भी हमें सेम करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है. मल्टीप्लाई करने के बाद हमें क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है, बीच में माइनस साइन लेंगे. बट यहाँ पे अभी फोर वैल्यूज इन दैट द कोई भी वैल्यू माइनस में नहीं है. तो फर्स्ट और सेकेंड नंबर सेवन अपॉइंट थ्री, वन अपॉइंट टू मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस 5 अपॉन 3 और 3 अपॉन 2, दिस क्रॉस पेयर यहाँ पे लिख दिया है. नाउ मल्टीप्लाई करते समय जब फ्रैक्शन रहेगा तब ऊपर का नंबर ऊपर से मल्टीप्लाई करना है, मीन्स न्यूमरेटर टू न्यूमरेटर, डिनोमेटर टू डिनोमेटर. तो 7 वन जा 7 आएगा और नीचे 3 टू जा 6. अगेन यहाँ पे भी ऊपर ऊपर का मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 3 जा 15, 3 टू जा 6 साइन क्या आएगा, माइनस. बट अभी यहाँ पे डिनोमीटर सेम है, जब डिनोमीटर सेम रहेगा तो उसको एक बार लिखना है और 7 माइनस 15 करेंगे. तो 15 से 7 माइनस करके 8 आता है, बट 15 को साइन माइनस है, 15 बड़ा नंबर है, आंसर को माइनस साइन आएगा. तो माइनस 8 अपॉन 6 इज डिविजिबल बाय 2, सो फाइनल आंसर माइनस 4 अपॉन 3, दिस इज द डिटर्मिनेंट्स. ओके स्टूडेंट्स, नाउ क्वेश्चन नंबर 3, सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस using the Cramer's rule. Okay, this is question number 3, exercise 1.3, that same. Solve the following equations using the Cramer's rule. Two equations are there. Okay, तो वो दो equations को पहले हमें ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी से arrange करना है. C means क्या, जो जहां पे x और y नहीं है वो अल्फा, वो नंबर जहां पे x और y नहीं है वो नंबर, वो नंबर को हमें राइट हैंड साइड में रखना है और लेफ्ट में एक्स एक्स रखना है, देन वाई वाई रखना है और इज इक्वल टू के वो साइड में हम सी रखेंगे. सी मीन्स अ कांस्टेंट वैल्यू, जहां पे एक्स और वाई नहीं रहता उसे हम कांस्टेंट वैल्यू कहते हैं, ध्यान में रखना है स्टूडेंट. ओके नाउ अभी हमें डी डी एक्स और डी वाई निकालना है, बट यहाँ पे अभी डिटर्मिनेंट्स तीन तरह से निकालना है. तो दैट तीन तरह से डिटर्मिनेंट्स निकालने के लिए फॉर्मूला है स्टूडेंट्स. डी के लिए कौन सा नंबर लेना है, इसमें से तीन पेयर्स दिए ना यहाँ पे, कौन सा नंबर डी के लिए लेंगे, कौन सा नंबर एक्स के लिए लेंगे, कौन सा नंबर वाई के लिए लेंगे, डी वाई के लिए लेंगे, वो एक फिक्स है. तो उसके लिए यहाँ पे स्टूडेंट्स लिखा है डी इज इक्वल टू, डी करते समय क्या लेना है, एक्स और वाई के वैल्यूज लेना है, मतलब ये एक्स एक्स का वैल्यू लेना है, और डी एक्स करते समय सी लेंगे, एक्स है ना तो x का वैल्यू निकाल देंगे. ये 4 और 6 यहाँ पे निकाल के क्या लेंगे उसकी जगह पे, 4 और 8 लेंगे c का वैल्यू. c है ना इधर, तो यहाँ पे c लिया है. नाउ dy करते समय हम
y का वैल्यू निकाल देंगे, y निकाल के 3/5 निकाल के उसके जगह पे हम 4/8 डालेंगे। ऐसा इजी करके तुम ध्यान में रख सकते हो स्टूडेंट्स कि जब हम d करना है तब x और y के नंबर्स लेने हैं, dx जब हम करेंगे तब हमें x कर रहे हैं ना, तो x निकाल के वहां पे c डालेंगे, dy जब हम करेंगे तब y निकाल के हम वहां पे क्या करेंगे c डालेंगे। तो अपन y रिमूव करने वाले हैं, हम y रिमूव करेंगे तो x वैसे ही रहेगा, यहाँ पे x रिमूव करेंगे तो y वैसे ही रहेगा। नाउ ये dx और dy के ऐसे ये फॉर्मूला है, और ये अपना इक्वेशन अरेंज करने के लिए ax प्लस by इज इक्वल टू c, वो फॉर्म ऑफ द इक्वेशन अपन ने स्टार्टिंग में देखा था, वैसे वो अरेंज करने के लिए ये यहाँ पे लिखा है। तो ये दोनों लिखना नहीं है फर्स्ट सम के लिए स्टूडेंट्स, हाँ तुम लोग लिख के ले लेना। यहाँ पे स्मॉल फॉर्मूला से रेफर करने के लिए, ये भी रेफर करने के लिए, ये दोनों फर्स्ट सम में लिख के लो, बाकी के सम्स में वो लिखना नहीं है स्टूडेंट्स। नाउ अभी जो अपन ने वहां पे डी डी एक्स डी वाई के 4-4 नंबर्स वैल्यूज लिखे थे, वो वैल्यूज को क्रॉस मल्टीप्लाई करके डिटर्मिनेंट का स्टेप करना है। यहाँ पे डिटर्मिनेंट का स्टेप किया, यहाँ पे डिटर्मिनेंट का स्टेप किया, डिटर्मिनेंट का स्टेप क्या है, 4 5 20 एंड 3 6 18, तो 20 - 18 इज इक्वल टू 2। नाउ हियर 4 5 20 एंड 3 8 24, तो 20 - 24 करेंगे -4 आएगा, 6 8 32 एंड 4 6 24, तो 32 - 24 करेंगे, dy का वैल्यू 8 आएगा। तो d dx और dy के वैल्यूज क्या है, ये वैल्यूज हमें मिल गए। ओके नाउ फर्स्ट इक्वेशन, फर्स्ट और सेकेंड लेक्चर्स में हमने x और y के वैल्यूज फाइंड आउट किए थे, यहाँ पे भी क्रामर्स रूल में हमें d dx और dy निकालने के बाद x और y के वैल्यूज फाइंड आउट करने हैं। तो x और y के वैल्यूज फाइंड आउट करने के लिए सम स्मॉल फॉर्मूला है स्टूडेंट। ओके नाउ बिफोर डूइंग फॉर्मूला वी हैव टू राइट द वैल्यूज, d वैल्यू इज 2, dx वैल्यू -4, dy वैल्यू 8। बाय क्रामर्स रूल x इज इक्वल टू dx अपॉन d, x निकालना है तो यहाँ पे dx रखेंगे, y निकालना है तो हम क्या रखेंगे वहां पे dy रखेंगे। तो x का फॉर्मूला निकालते समय, x निकालते समय x का फॉर्मूला क्या है, dx अपॉन d मीन्स dx का वैल्यू -4/2, तो -4/2 2 2 = 4, तो -2 आएगा, एंड dy वैल्यू 8 है एंड 2 है, तो यहाँ पे 8/2 2 1 = 2 4 = y का वैल्यू 4। सो द फाइनल आंसर एज इट इज x और y लिखेंगे, पहले x का नंबर y का नंबर इज द सॉल्यूशन। ओके स्टूडेंट्स, दिस क्वेश्चन 3 मार्क्स क्वेश्चंस है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है, पॉज करके 2 बार सम को पहले अच्छे से देखो स्टूडेंट्स, एंड देन जो होमवर्क क्वेश्चन है वो ट्राई करना है। इजी क्वेश्चंस दिए हैं होमवर्क के लिए, जो भी ये होमवर्क के क्वेश्चन है यहाँ पे, कोई भी इक्वेशंस तुम्हें ax प्लस by इज इक्वल टू c से अरेंज नहीं करना है, ऑलरेडी सब अरेंज किया हुआ है, तीनों इक्वेशंस अरेंज किया हुआ है। तो इक्वेशंस को ऊपर नीचे लिख देंगे हम, जैसे नेमिंग 1 और 2 करते थे, बट यहाँ पे नेमिंग नहीं करेंगे, इक्वेशंस को ऊपर नीचे लिखेंगे। d में x और y के वैल्यूज लेना है, dx में c और y के वैल्यूज लेंगे हम, और dy में हम x और c के वैल्यूज लेंगे। दैट वैल्यूज लेके तीनों डिटर्मिनेंट्स फाइंड आउट करेंगे, आफ्टर दैट x फाइंड आउट करने के लिए x का फॉर्मूला क्या था स्टूडेंट्स, x इज इक्वल टू dx अपॉन d और y इज इक्वल टू dy अपॉन d। ओके स्टूडेंट्स सॉल्व करो, थैंक यू।